हेलो मेरे स्मार्ट दोस्तों, आज हम साउथ इंडियन डोसा बनाने जा रहे हैं। आइए। एक चम्मच जीरा, इसमें जाएगा एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच जाएगा हल्दी पाउडर। इसमें मैंने चार प्याज बड़े इस तरह काटे। ये आलू है, लेते हैं इसको उबाल कर लीजिए। बोलूंगी नमक डालूंगी एक चम्मच, पानी डालूंगी ताकि ये गीला रहे। इसमें जाएगा आमचूर पाउडर एक चम्मच, मैंने आलू का मटेरियल बनाना सिखाया था। अभी मैंने डोसे का मटेरियल डोसा बनाऊंगी और इसका मटेरियल मैं बताऊंगी आपको कैसे बनाते हैं। मैंने 3 कटोरी चावल की ली है और 1 कटोरी मैंने दाल की ली है। उड़द की दाल आती है ना, 1 कटोरी उड़द की दाल, 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी उड़द दाल। इसमें मैंने 2 चम्मच चने की दाल डाली है और 3 चम्मच मैंने मूंग दली दाल डाली है और 1 चम्मच मैंने मेथी दाना डाला है, 1 चम्मच शक्कर डाला है। इन सबको मैंने भिगो के रख दिया था। 3 घंटे मैंने इनको भिगो के फिर मैंने इसको मिक्सी में पीस के और रात भर इसको रखा, इसका इस तरह से गोल बन गया। भले इससे गाढ़ा हो तो इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं। अब ये चने की दाल और मूंग की दाल क्यों डाली, ये इसलिए डाली कि हमारा डोसा टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, सही बढ़िया बाजार जैसे वैसे ही बनेगा, क्योंकि मूंग की दाल और चने की दाल बाइंडिंग का काम करती है। तवा मैंने गरम कर लिया, अब इसमें हम डोसा डालेंगे। इसको हम अगर झटपट बनाना हो तो चावल और दाल का मटेरियल यही रहेगा, खमीर के लिए हम इसमें दही डालेंगे दाल के हिसाब से। साइड से अपने आप ही उतर रहा है। ये आलू का मटेरियल मैंने बनाया था,
ये मैंने प्याज टमाटर शिमला मिर्च धनिया पनीर ये सब मैंने पतले काट दिए ये इसमें डाल लीजिए।